नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे भाई चाय वाय मिलेगी कि अरे क्या कर रही हो तुम हैं? पिछले 5 महीने से ये एक्सरसाइज कर रही हो, फर्क तो कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ और ट्राई कर लो, इस उम्र में कुछ 19-20 हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे हैं? फिर शुरू हो गया, हमेशा बुरा ही सोचना। अरे सीख जाएंगे ना धीरे धीरे। आपको पता है वो शर्मा जी की बेटी है ना, उसी ने तो सिखाया मुझे ये। आपने देखा कितनी पतली और जवान दिखती है। तुमको पता है शर्मा जी की बेटी इतनी पतली और जवान क्यों दिखती? क्योंकि उसकी उम्र 30 साल है और तुम्हारी, अरे अपने हिसाब का कुछ कर लो। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो कम से कम मजाक तो मत उड़ाओ। कोशिश तो कर ही रहे हैं, जिस दिन कर लूंगी ना तब पता चलेगा। जहां तक रही चाय की बात, ला रही हूं। अपनी बना लेना। कनेक्ट कैसे होगा? हो गया। प्रिया नमस्ते। मम्मी कैसे हो आप? नमस्ते, मैं तो ठीक ही हूँ। तुम बताओ कैसी हो और दामाद जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अरे क्या बात है, आप अभी स्मार्टफोन चलाना सीख गए हो? अरे कहाँ, बस सीख रही हूँ धीरे धीरे। तुमने कहा था डाउनलोड कर लो तो कर लिया, वरना तुम्हारे पापा तो ना मुझे बुढ़ा कर देंगे इसी उम्र में। अब तुम्हारी वजह से थोड़ी सी टेक्नोलॉजी सीख रही हूँ, है ना? अरे किससे बात कर रही भाई? ये ले तेरे पापा भी आ गए। प्रिया कैसी बेटा, तुम और दामाद जी ठीक हो ना? कब आ रहे हो? जी हाँ, आपको वही बताने के लिए कॉल किया था, कल का मिला है रिजर्वेशन। चलो चलो चलो, बढ़िया आ जाओ। जी पापा, मैं आपको याद से कॉल करूंगी, आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, रख रहे हैं। कटेगा कैसे? अरे लाल वाला छुओ ना इसे। अब आ रही है तू? पार्लर से लौटने का ये कौन सा टाइम है भाई? अरे पार्लर में आज बहुत भीड़ थी, लेकिन आपको पता है क्या हुआ? पार्लर में मैंने जब सबको बताया ना कि मैं 40 इयर्स की हूँ, किसी ने यकीन ही नहीं किया। बताओ। हाँ तो कैसे करते, तुम तो 42 की हो ना। आप भी ना। खैर छोड़, आप ये बताइए कि चेहरे पे कोई चमक नजर आ रही है कि नहीं? नहीं मतलब 1500 रुपए का गोल्ड फेशियल कराए। देखो जय, मैं ना बहुत जरूरी हिसाब किताब कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हुई तो लेने के देने पड़ जाए। अरे क्या हर वक्त काम वाम लगा के रखा हुआ, हटाइए इसको। इतनी खूबसूरत बीवी है आपकी, कभी तो प्यार से देख लिया कीजिए हमारी तरफ। हाँ इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। ओ, ओ, हर वक्त इस उम्र में। अरे क्या इस उम्र में, बूटा बूटी हो गई है क्या? हम पति पत्नी है, हमें पूरा हक है अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, है कि नहीं? इनको कुछ भी समझा पाना मेरे बस का नहीं, मेरे फरिश्ते भी नहीं समझा। जाइए जाइए, कर लीजिए अपना हिसाब। आनी तो जब देखो बुड्ढे हो गए। फ्रेंड रिक्वेस्ट, फोटो तो लगा नहीं रखा, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस लड़का होना जी। मेरी जान। ग्लो तो कर रहा है फेस। भाई 1500 रुपए दिए हैं। हाय
How are you? अरे मैं देखता हूँ, लगता बच्चे आगे जाए तुम्हारा काम खत्म होगा कि नहीं। प्रणाम पापा, कैसे हो आप? I miss you so much. तू बेटा। माँ, कैसे हो भाई? कैसे हो? अच्छी है ना? बढ़िया। अरे दवाची, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? ये पुराने जमाने की बातें हो गई, और वैसे भी ये इतनी उम्र थोड़ी ना है। आशीर्वाद लेना है तो इनका लीजिए। हाँ भाई, आशीर्वाद हमसे ही लेना। वैसे सही तो कह रही है माँ, किसी भी एंगल से वो मेरी माँ नहीं लगती। चलो बातें तो होती रहेंगी, आप लोग बैठिए, नाश्ता लगाती हूँ। आ जा तू भी। चलो मैं भी चलती हूँ। क्या बात है, आज आपके मिजाज ठीक नहीं लग रहे। जब बीवी ऐसी हो तो किस पति का मिजाज ठीक रहेगा? सासू माँ, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं भी रोज सुबह यहाँ एक्सरसाइज के लिए आती हूँ। वाह, चलिए आइए साथ में एक्सरसाइज करते हैं। चलिए। सुना आज कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम? हाँ पापा, तभी दोनों औरतें गायब हैं, फुल ऑन रेडी हो रही हैं अंदर। चंदना, हम तैयार हैं। कैसा लगा मम्मी का ये नया लुक?
बेटा ये इस उम्र में ऐसे कपड़े, तुम तो जानती हो ये छोटा शहर और यहाँ के लोग भी। देख लिया, कहा था ना मैंने तुमसे कि तुम्हारे पापा को पसंद नहीं आएगा। अरे मैं तो, अरे पापा सही तो कह रही है सासू, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब प्रिया एकदम सही कहती हो तुम, एकदम तुम्हारी बहन लगती है। तो चले चल एंड पापा चल। अरे पापा आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए था, हमें तो बहुत मजा आया। देखो ना हमने कितनी सारी शॉपिंग की है, खास करके मम्मी ने, मम्मी ने ना बहुत सारे कपड़े लिए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मम्मी के लिए अच्छी है ना, तुम भी दिखाओ ना। अब ये भी है। रोज रात का वेट करता हूँ, अब तुमसे बात करने का समय जो हो जाता है तुम्हें मेरी याद आती है। आती है ना? मुझे तुमसे मिलना है। मैं उससे मिल कैसे सकती हूँ, उसे मेरी उम्र का पता चल जाएगा। नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा, नहीं अभी नहीं। अच्छा मिल नहीं सकते तो फोन पे बात तो कर सकते हैं, मुझे कॉल करो। हेलो हेलो अच्छा वो सच्चाई सामने आ गई सासू माँ, एम्बेरेस फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप इतनी अकेली हैं, सब कुछ होते हुए भी मैं भी उतना ही अकेला हूं, तभी तो हम दोनों इस ऐप पर हैं। और मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है, बल्कि मुझे तो सुकून मिला ये जानकर। इतने दिनों से मैं आपसे बात कर रहा था, आप सही कहती थी उम्र में कुछ नहीं रखा, दिल जवान होना चाहिए, और आपका दिल और आप दोनों ही जवान और खूबसूरत हैं। मुझे पता क्या लगता है, हम दोनों अपनी जिंदगी की इस कमी को पूरा कर सकते हैं, भूल जाइए सब कुछ और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये मेरा सीक्रेट रहेगा। भूल जाइए कि मैं राज हूं, मैं वही हूं जिससे आप रोज रात को बात करती थी।
वाह मम्मी, क्या खुशबू आ रही है। अरे ये सारी तो राज की पसंद की डिशेस है। बड़ी खातिरदारी हो रही है दामाद। ज्यादा मस्काबाजी करने की जरूरत नहीं है, जाके दोनों को बुला ले, मैं डाइनिंग टेबल पे खाना लगा रही हूँ। आज सब दामाद जी का फेवरेट। भाई हमें इतना अच्छा खाना तो तभी मिलता जब बच्चे घर पे होते हैं। जवान फूल के लिए जवान तोहफा। बच्चों के आने से घर पे रौनक हो गई। नहीं वैसे देख रहा हूँ आजकल बहुत खुश लग रही हो तुम। अभी आप ही ने तो कहा कि बच्चे घर में आए हुए हैं, चहल पहल है, तो बस उसी की रौनक है। आप अब सो जाइए, बहुत देर हो चुकी। हाँ भाई सोते हैं, तुम भी सो जाओ। सो जाएंगे, बत्ती बुझा देना। अरे बुझा देंगे। अच्छा गुड नाइट। गुड नाइट। कैसा लगा तुम्हारा गिफ्ट? एकदम नमकीन, तुम्हारी तरह नमकीन। अच्छा तीखी नहीं लग रही, मिर्ची की तरह। तुमने बिल्कुल ठीक कहा राज, सच में जिंदगी में बहुत ही अकेला महसूस करने लगी थी, पर तुमने पता नहीं क्या जादू कर दिया। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में ना कुछ नया सा मैजिक हो गया। इतनी एनर्जी फील करती हूँ ना जैसे ना टीनेज में फील करती थी। तो तुम अभी भी टीनेज में ही लगती हो। कुछ ज्यादा हो रहा है। तुमको पता तुम्हारे साथ में जो नशा है ना, और कहीं नहीं, लेकिन अब ये नशा भी खत्म होने वाला है। क्या मतलब? अरे वापस जाना है ना, तो क्या जरूरत है वापस जाने की? यही रुक जाओ, हम लोग सब खुशी से रहेंगे एक साथ। काम है वहां पे मेरा, जाना तो पड़ेगा ना। तो फिर हम कैसे मिलेंगे? तुमको क्या लगता है कि अब मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ? आदत पड़ गई है मुझे तुम्हारी, चिंता मत करो आता जाता रहूंगा। चलो मूड खराब मत करो,
चाह रहे तो जाने की बात है बाद में। सच में पापा, ये एक हफ्ता कैसे बीत गया ना पता ही नहीं चला। इनका तो मन भी नहीं है अब जाने का। अरे तो राज बेटा ऑफिस में बात करके थोड़े दिन की छुट्टी और ले लो। नहीं पापा, ऑलरेडी इतनी छुट्टियां ले चुका हूँ मैं, अगर और छुट्टियों के लिए बोलूंगा ना तो ये ना होगी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। चलो ठीक है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, प्रियोर में आएंगे जरूर, और अगर ये नहीं आई ना मैं तो आऊंगा, क्योंकि मेरा मन लग गया है यहाँ पे। वैसे मम्मी, मैं डाइटिशियन से बात करके ना आपके लिए डाइट चार्ट भेज दूंगी, देखना आप एकदम फिट रहोगी। अरे इतनी पतली हो गई ना तो तेरे कंपटीशन में आ जाऊंगी। पीली चाय? मैं सामान लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। तो खाना बांध देना इन लोग का। रुक जाओ ना थोड़े दिन के लिए, ये भी तो बोल रहे हैं। फिर वही बात, मैंने कहा ना कि मैं आता जाता रहूंगा। मेरी कसम। तुम्हारी कसम। ठीक है माँ, अब निकलती हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ तुम भी। जी चलें। पापा कॉल करते रहना। हाँ बिल्कुल कर दूंगा मैं। प्रिया चली गई तो इतना परेशान हो रही हो तुम। प्रिया का फोन है? हाँ पहुंच गए लोग। पहुंच गए? हाँ। बात हुई तमाजी जी? अरे हाँ हुई भाई, सब ठीक ठाक है, थक गए थे, मैंने बोला कल बात कर लेंगे। सो जाओ अभी। फोन किया था उन लोगों ने? अरे हाँ किया था बाबा। कितने बजे? अभी थोड़ी देर पहले किया था। चलो सो जा। बात नहीं की तुमने? थका हुआ हूँ, कल बात करते हैं। गुड नाइट। अरे किसका गुस्सा फोन पे उतार रही हो? कुछ नहीं, वो पड़ोसन गायत्री है, कभी कुछ मांगती है कभी कुछ मांगती है, गुस्सा। आप सो जाइए ना। तुम भी सो जा। सो जाएं। अब बत्ती बुझा देना। बुझा देंगे। अरे जया, अरे भाई चाय मिलेगी कि नहीं आज? नहा रही है मैडम, क्या करूं क्या? क्यों इतनी सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं आप? ये मोबाइल, ये तो मेरा मोबाइल है ना, दीजिए। अरे मोबाइल दीजिए। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है बेशरम औरत? एक सास और दामाद का रिश्ता ऐसा होता है? देखिए आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी। ये सब कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता। तुझे भी नहीं पता ना, क्योंकि तू अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। ये जवान होने के चक्कर में ना हर जवान आदमी पे लड्डू हो जाती, और ये भी भूल गई कि राज तेरी बेटी का पति है। इसको मैंने अपना बेटा माना, तू उसी
ये सारी बातें प्रिया को बताऊंगा, क्योंकि वो राज तेरे साथ ये सब कर रहा तो और पता नहीं किसके साथ क्या। नहीं, एक बात याद रख, तुझे और राज को तो बाद में देख लूंगा मैं। नहीं, समझ गया। सुनिए सुनिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्रिया को कुछ मत बताइए, ऐसा फिर कभी नहीं हो, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जीने दे रहा था, अब इस घर में जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा, जो मैं चाहूंगी वो होगा। जो हुआ वो बदल तो नहीं सकता, सीढ़ी से गिरना पापा की जान ले लेगा, किसने सोचा था। पर अब आपको खुद को संभालना होगा। आओ मां। सासू माँ, संभालिए अपने आप को, हम दोनों आपके साथ हैं, आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हम दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया है, अब हम आपके साथ ही रहेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुमा, आप मतलब जया, तुमको किसी ने देखा तो नहीं आते हुए? इस सिचुएशन में तुम ये सब कैसे कर सकती हो? राज, कितने भोले हो, इसी सिचुएशन में तो कर सकते हैं। और वैसे ये सिचुएशन मेरी ही क्रिएट की हुई है। मतलब ये कि तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैं तुम्हें कैसे छोड़ दी? एक एक पल, एक एक साल की तरह गुजर रहा था, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इससे पहले कि मैं कुछ करती, भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया। उस बुड्ढे को हम दोनों की हकीकत पता चल गई थी, धमकी दे रहा था मुझे, मेरा मोबाइल छीन के मुझे कैद कर लेना चाहता था। तो बस उस मनहूस आदमी को मैंने हमारी जिंदगी से ही निकाल दिया। और देखो ना, इसी बहाने तुम भी तो यहां आ गए, अब तुम दोनों यहीं रहोगे मेरे पास। यानी कि एक तीर से दो निशाने, हुई ना मैं कमाल की? बोलो। आई लव यू राज, तुमको पता मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे ना 16 साल वाला प्यार हो गया। जैसे 20 साल पहले फील करती थी ना, बिल्कुल वैसा ही फील कर रही हूँ।
राज, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ में रहेंगे। तुम खुश तो हो ना राज? हम वो प्रिया बुला रही है शायद, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है ना राज? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। पता है मैं शाम से कमरे के बाहर नहीं निकली, शायद सदमा ज्यादा ही लगा है। क्या बात है, तुम मुझे इस तरह से हैरानी से क्यों देख रही हो? प्लीज अब ये मत कहना कि पापा के जाने के बाद तुम मुझे सफेद साड़ी में देखना चाहती हो। तुम्हारे पापा के जाने का जितना दुख मुझे है शायद ही किसी को होगा। लेकिन बेटा ये तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि मैं कभी भी उदास या बेरंग ना रहूं। मेरी जिंदगी हमेशा रंगों से भरी रहे। ये सब तुम्हारे पापा की खुशी के लिए बेटा। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली सिर्फ दो ही दिन हुए हैं ना, तो थोड़ा अजीब लगा। वैसे आप सही कह रही हैं, आपको जो अच्छा लगता ना आप वो करो। मैं और राज आपके हर फैसले में आपके साथ हैं। आप खाना खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आपको खाना लगाती हूँ। रात को कुछ नहीं, वो दोस्त का फोन है। तुम सो जाओ, मैं बाहर जाके बात करके आता हूँ। ठीक है। बैठो भी, कहाँ रह गए थे अभी तक? जानते हो कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मतलब? प्यार कर रही हूँ। रिया को पता चल गया ना, सारा प्यार ही निकल जाएगा तुम्हारा। उफ़ो, गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। अरे पापा, इतना डरोगे तो प्यार कैसे करोगे? हाँ, और जहां तक बात रही प्रिया की, वो मेरी बेटी है, बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको। गाय है गाय, उसको तो पता भी नहीं चलना कि इस छत के नीचे आखिर हो क्या रहा है। अब आओ भैया। तुम प्लीज इरिटेट मत करो। इस सिचुएशन को हमको दिमाग से हैंडल करना होगा, समझदारी से हैंडल करना होगा। तुम थोड़ा सब्र रखो। क्या सब्र रखूं राज? नहीं, क्या कहना चाह रही? बस तुम थोड़ा शांत रहो, समझी? ठीक है, लेकिन राज अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? मम्मी देख लेगी। देखने दो। छोड़ो मुझे। आज ना मेरा पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताने में मैंने। अच्छा जी। हम्म।
मम्मी जी आप क्यों आई चाय लेकर? हम बस बाहर आ ही रहे थे। अभी कौन आया? मैं देखती हूँ। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आइए। मिस्टर किशोर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उससे पता चला है कि उनकी मौत सर पर किसी भारी चीज के वार की वजह से हुई है। देखिए। पर इंस्पेक्टर पापा की मौत तो सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी, है ना मम्मी? हाँ। इंस्पेक्टर साहब दरअसल उस दिन जब मैं आई तो देखा कि वो सीढ़ियों के पास गिरे हुए थे। मुझे लगा कि शायद सीढ़ियों से ही गिरे होंगे। इसका मतलब जब ये हादसा हुआ तब आप घर पर नहीं थी? नहीं थी, मैं वॉक के लिए गई हुई थी। आके देखा तो सबको फोन करके बताया। फिर हमने भी इसी बात को सच मान लिया था, लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है। क्योंकि ये कोई हादसा नहीं है इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। वैसे आप लोगों को किसी के ऊपर शक है? नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, हम पता कर लेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप शहर से बाहर जाएं, तो हमसे परमिशन लेकर जाएं। हम चलते हैं। मम्मी क्या ऐसा कुछ है जो हमको पता होना चाहिए? हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। तुम बड़ी अजीब हो, तुम इतना नॉर्मल कैसे रह सकती हो? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पता चल गया ना तो जेल में जाके नेल पॉलिश लगा। पता चलेगा? जहां तक बात रही मेरी, पुलिस को कभी मेरे पे शक नहीं होने वाला। और वैसे भी एक बात बताओ राज, मैं पूछ रही हूँ, खून तो मैंने किया है ना? हाँ तो तुम क्यों इतना डर रहे हो? अरे खून तुमने किया, रीजन तो मैं हूँ। बैठे बैठे नई मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे, ऐसा लगता है कि फंस गया हूं यहां पे। तो अब तुम एक बात तो समझ ही चुके हो। देखो तुम्हें ये तो पता चल ही गया कि मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकती हूं, तो आने वाले टाइम में भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। तो इस बात को क्लियर कर लो कि अब तुम्हें सिर्फ मुझे प्यार करना है। तुम पागल हो क्या? अरे ये मत बोलो, तुम्हारी बेटी का पति हूं मैं, उसको छोड़ दो। शांत हो जाओ, इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? बैठो, मैं समझाती हूं ना। पापा मैं चाहती हूं कि तुम हम दोनों का एक जैसा ख्याल रखो, मतलब 50-50 इक्वल इक्वल, है ना? तो फिलहाल मेरी बात। यार तुम क्या कर रही हो? आई लव यू प्रिया। ये है तुम दोनों की असलियत? यकीन नहीं होता कि तुम मेरी माँ हो, और तुमने अपने पापा को इस हद तक गिर गई तुम माँ? नहीं, अब प्रिया, बेटा, मेरी बात सुनना मत मुझे। और तुम इतने गिरे हुए इंसान हो कि अपनी पत्नी की माँ के साथ, छी, तुमको सोच के भी घिन आती है। अब मुझे पता चला कि पापा को किसने और क्यों मारा है। रुको तुम दोनों, मैं तुम दोनों को ना जेल भिजवा के ही छोड़ूंगी।
पापा ना सच कहते थे, तुम ना पागल हो, इसलिए कभी पापा ने तुम पर विश्वास ही नहीं किया। प्रिया इधर आओ, बात सुनो मेरी, मां खराब हो गया तेरा। हाँ क्या करने जा रही है, अपनी माँ और अपने पति को जेल के अंदर डलवाएगी, बेवकूफ लड़की। चल मेरा तो छोड़, अपने पति का तो सोच, अपनी जिंदगी खुद ही वीरान करेगी। प्रिया देख बेटा, तेरी माँ हूं मैं, हमेशा तेरा भला ही चाहती हूँ, ठंडे दिमाग से सोच। इतना बड़ा घर तुझे रहने को मिल रहा है, हा? किसी चीज की कमी नहीं होगी तुझे, तेरी और राज की हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी। मैं किस चीज का लालच दे रही हो तुम मुझे, इस घर का, इस पैसे का, जो तुम्हारा है ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि पापा ने ये सब पहले से ही मेरे नाम पे किया हुआ है। क्या? देख बेटा, मैं चाहता हूँ तू हमेशा खुश रहे, इसीलिए ये घर, ये दौलत सब कुछ ना तेरे नाम कर दिया है, ताकि मेरे रहते भी और मेरे जाने के बाद भी तू हमेशा खुश रहे। पापा आप ये सब मम्मी को, तेरी माँ को ना तुझसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ मैं, पागल है वो, जवान रहने के चक्कर में ना सब कुछ लुटा डालेगी वो, लेकिन मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू खुद को, इस घर को और अपनी माँ को भी संभालेगी, संभालेगी ना जी। बहुत हुआ सती सावित्री बनने का नाटक मम्मी, अब सीधा जेल जाने की तैयारी करो। प्रिया तुम मेरी बात सुनो, ये सब किया दरा इनका है, मुझे तो पापा की मौत के बारे में कुछ पता भी नहीं था, जब इन्होंने बताया ना मैं शॉक हो गया था, और पता जब से हम यहाँ पे आए ना तब से मेरे पीछे पड़ी हुई है, जबरदस्ती बुलाती रहती है मुझे, लेकिन मैं नहीं जा रहा था। तुम सही कहती हो, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें इनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं थोड़े टाइम के लिए बैग गया था, प्लीज प्लीज। वाह, एक मिनट में बाजी पलट गया, तू तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला, एक नंबर का झूठा है तेरा पति प्रिया, गिफ्ट लाना के देता था मुझे। और रही बात तेरे पापा की, तो उनको मैंने मारा, लेकिन किसके लिए? इसके लिए, इसी ने मुझे परखलाया था ये सब करने के लिए, और अब देख तेरे सामने कैसे भोला भाला बन रहा है। तुझे तो ना मैं छोड़ूंगी, आप क्या करी, छोड़ो, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी, धोखे बाज है तू, छोड़ो प्रिया, मेरे बीच में से हट जा, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, झूठा है तू, छोड़ो। राज, ये क्या किया तुमने?